सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहली अपडेट, टुगेदर फॉरएवर सॉन्ग में ऑलमोस्ट 6 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं। साथ में ये गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है। सो आप लोग इस गाने को इसी तरह सुनते रहो और जल्द ही इसमें 10 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट करवा दो। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हनी पाजी ने अपने इंस्टा लाइव में एक बार बोला था कि वो अब म्यूजिक से ज्यादा लिरिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि जब भी हनी पाजी होमी दिल्ली वाला के साथ लिखते हैं तो उनके गानों में लिरिक्स बहुत सिंपल होते हैं। तो हनी पाजी ने उस लाइव में बोला था कि अब वो अपने गानों के लिरिक्स में ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि इसी चीज को लेकर कृष्णा ने हनी पाजी को अपने नए गाने में रिप्लाई देते हुए उन्हें पोक किया है और बोला है कि जो लोग पहले कॉमर्शियल थे वो अब अचानक से लिरिकल हो गए हैं। अचानक से बने ये लिरिकल, कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर। क्या बोला तूने? अचानक से बने ये लिरिकल, कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर। सो इसी चीज को लेकर काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्णा ने ये लाइन अपनी हनी पाजी को रिप्लाई देते हुए बोली है, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा एमी वे ने अपने मचाएंगे 4 डिस ट्रैक को फिर से पब्लिक कर दिया है और लिखा है मचाएंगे 4 आउट नाउ। सो एमी वे ने पहले इस डिस ट्रैक को प्राइवेट किया हुआ था लेकिन अभी उन्होंने इस डिस ट्रैक को फिर से पब्लिक कर दिया है। सो इसे देखकर लग रहा है कि एमी वे और कृष्णा के बीच फिर से कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है। सो इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।